आइए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पे जो हम आप चर्चा कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं और आप सबका इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके पार्ट 8 में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लेट्स नाउ टेक द डिस्कशन फर्दर ऑन RPWD Act 2016, and I welcome you all to Part 8 of this discussion. मैंने जैसे कल अंत में कहा था कि definitions जो important terminology की थी, जो बार बार इस Act में आएंगे, उन terms की definition मैंने आपसे साझा की, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया अपनी क्षमता अनुसार। तो मैंने कहा कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस बात से भी अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि जो ओरिजिनल बिल 2014 में 7 फरवरी 2014 को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था, उस समय इन शब्दों की स्थिति क्या थी, इन टर्म्स की स्थिति क्या थी, वो शामिल थे परिभाषा में, नहीं थे, अगर थे तो किस रूप में थे, और उसमें क्या क्या कमियां थी जिसको हमने क्या हमारी तरफ से क्या सुझाव दिए गए, तो उसकी चर्चा मैं पहले करूंगा और उसके बाद एंटाइटलमेंट्स पर आऊंगा। यहां उस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबकी जानकारी के लिए भी सूचित करना चाहूँगा, आपसे साझा करना चाहूँगा कि 7 फरवरी 2014 को बिल प्रस्तुत होने से पहले पूरे सभी संगठनों में दिव्यांगों के बिना बिल को देखे एक मांग सभी संगठनों ने उठा ली थी, की थी सरकार से, कि बिना चर्चा के संसद उस सत्र में पारित कर दे बिल को। और ये बात आप सबको जानना और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ को छोड़कर, आपके अपने संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड को छोड़कर, सारे संगठन इस बात के लिए लॉबिंग कर रहे थे कि उस बिल को बिना चर्चा के पारित कर दिया जाए, और ये तब जब उन्होंने वो बिल का अंतिम प्रारूप जो कैबिनेट ने अप्रूव किया वो देखा भी नहीं था। लेकिन 19 जनवरी 2014 को शाम को बिल के कैबिनेट अप्रूवल के तुरंत बाद या उसके कुछ दिन बाद मैंने किसी तरह से उस बिल की कॉपी प्राप्त की, और प्राप्त करने के बाद लोगों से साझा की और अपनी कंसर्न्स बताई, और तब 20 जनवरी 2014 को सभी संगठनों ने मिलकर मेरी कन्वीनरशिप में एक ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस विभिन्न संगठनों का बनाया इस बिल का विरोध करने के लिए, इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करवाने के लिए जब भी इंट्रोड्यूस। तो ये परिप्रेक्ष्य आपको बैकग्राउंड जानना इसलिए जरूरी है कि आप जो अब मैं आपके साथ साझा करूंगा तो आप अंदाज लगा पाएंगे कि हर प्रावधान में लगभग, और कम से कम हर इम्पॉर्टेंट प्रावधान में, जो बिल का मौलिक स्वरूप था वो किस तरह से हमारे लिए हानिकारक था, और इस लंबे संघर्ष के बाद किस तरह हमने इसको बहुत हद तक उसको सुधरवाने में हमारा प्रयास आप सबके सहयोग से सफल रहा। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि
हमारी सारी मांगें अभी भी पूरी नहीं हुई और वो किसी भी कानून के लिए कभी संभव नहीं है कि हमारी सारी आकांक्षाएं उसमें समाहित हो जाएं। फ्रेंड्स, एज आई सेड दैट वी विल बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लाइक टू डिस्कस एज टू व्हाट वाज द पोस्टेटस ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज ऑफ विच आई हैव गिवन द और आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द डेफिनेशंस in my preceding lectures. There are instances where some terminologies were not at all defined, though they were occurring at various places. There were definitions of some terminologies which are occurring at various places in the Act, but the definitions were not up to the mark, were not inclusive, were not clear to convey what the terminology stands for. This, before doing this, it is also important to know that the entire disability movement, except for National Federation of Blind, was lobbying with the parliamentarians, with the government, to pass the bill without debate. And that too, this lobbying was being done without even looking at the final approved bill by the cabinet. Somehow, on 19th of Jan 2014, before its introduction on 7th of February 2014 in Rajya Sabha, I could lay hand on the bill, copy of the bill, as approved by the cabinet, and shared its shortcomings with the entire disability sector. And there was a shock wave across the sector. I had immediately written to the then Social Justice Minister, Ms. Shailja, raising various issues, which as we go along, I will point out, and you will see how far we had been successful to get those shortcomings removed in the Act. I must confess here that we could not succeed in getting everything possible that we raised, but at the same time, I would also like to say that we were able to get maximum of our suggestions included or addressed in the final Act. Any law can never be a perfect law, and we will have to continue our efforts to improve wherever shortcomings are there. It was only after my sharing the bill, copy of bill, that all organizations came together and formed All India Disability Alliance to oppose the bill, and the said alliance was created under my convenership, and I had already written to the then Minister for Social Justice, Ms. Shailja, on 20th of January 2014, before its introduction in Rajya Sabha on 7th of February, and I had pointed out various issues which All India Disability Alliance also endorsed. अब हम परिभाषाओं पर आते हैं, जिन शब्दों की परिभाषाएं आपने बताई, और ये एग्जामिन करते हैं कि इस मूल बिल में उसका स्टेटस क्या था। सबसे पहले बैरियर को ले लें। बैरियर में जो मूल बिल में, ओरिजिनल बिल में जो डेफिनेशन बैरियर की दी गई थी, उसमें दो चीजें
मिसिंग थी और जो बहुत इंपॉर्टेंट हमको लगी, एक तो एटीट्यूडनल बैरियर, व्यवहारात्मक जो मानव व्यवहार, जो मानव व्यवहार नकारात्मक मानव व्यवहार है उसको भी एक बैरियर के फैक्टर के रूप में, अवरोधक के रूप में देखा जाना चाहिए और उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए फैक्टर्स में, बैरियर के फैक्टर्स में। वो बात हमारी मान ली गई और इसलिए एटीट्यूडनल बैरियर्स भी इसमें आ गए। और दूसरा संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अवरोधक बैरियर्स फैक्टर्स जो हैं वो भी आना बहुत जरूरी थे। बिल्टअप एनवायरनमेंट में भी हमारे लिए बहुत से अवरोधक तत्व हैं, तो उनको भी जो हमारे फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को हिंडर करते हैं, रोकते हैं, उनके हमारी पूरी पूर्ण सहभागिता को के लिए अवरोधक का काम करते हैं, तो उनको शामिल किया जाना चाहिए, हमारी मांग थी और ये हमारी मांग स्वीकार की गई और बैरियर की डेफिनेशन में इन दोनों चीजों को शामिल किया गया। इसी तरह अब हम एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन पर आ जाएं, तो पहले एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन मूल बिल में केवल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट ही शामिल थे जैसी परिभाषा दी हुई थी, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा, तो सरकारी विभाग, सरकारी वो ये सब केवल शामिल थे। लेकिन हमने कहा कि इसमें प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट भी आने चाहिए। उसका कारण ये था कि एक्सेसिबिलिटी का जो चैप्टर था मेन, तो और इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी पॉलिसी की जो बात है, इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है वो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट पे भी लागू होना चाहिए, वो बात भी हमारी मानी गई। और तभी आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट में गवर्नमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट दोनों शामिल किए गए और दोनों को अलग अलग से परिभाषित भी किया गया, जिसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ फ्रेंड्स, इन द डेफिनेशन ऑफ बैरियर वी फाउंड दैट इन द ओरिजिनल बिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वर मिसिंग विच आर ऑल्सो विच फैक्टर्स ऑल्सो हिंडर आवर फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। दोज वर attitudinal barriers and structural barriers. We demanded that these also should be included and we succeeded in getting them included. Another important definition was that of establishment. In the original bill, the establishment was defined to mean only government establishments such as government companies, government corporations, government departments, etc. But it was our demand which we were able to get acceded and included in the act, that both government and private establishments should be included in the definition of establishment and both of them should be defined separately. This was necessary particularly in relation to accessibility provisions, because private establishments also will have to ensure the accessibility. As we have seen, market, shopping complex, etc., etc., are included, and they are mandated to ensure accessibility. As we go along, we will see that. So that's another important point on which we succeeded in getting the bill improved in the final act. इसके अलावा साथियों, discrimination की परिभाषा, उसमें भेदभाव की परिभाषा मौलिक बिल में नहीं थी, और जबकि इक्वलिटी की बात है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कई जगह कही गई थी, जब तक आप डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन नहीं करेंगे
तब तक नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव ना कर या भेदभाव को वर्जित करने के प्रावधान, वो सब बिना परिभाषा के, भेदभाव की परिभाषा के उनका सही अर्थ और उनकी सही व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए हमने डिमांड की थी कि डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा हो, और हमने जो फॉर्मुलेशन दिया था वही एज इट इज फॉर्मुलेशन डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में लाया गया, भेदभाव की परिभाषा में लाया गया। फ्रेंड्स, यू वुड रिकॉल दैट वी हैड सीन द इंक्लूजन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए टर्म डिस्क्रिमिनेशन इन द एक्ट। दिस वॉज मिसिंग इन द ओरिजिनल बिल एज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014, एंड वी डिमांडेड द इंक्लूजन of the word term discrimination, and we gave a definition, suggested a definition for this term, which has been exactly included, exactly in the same words as we gave them. So that is also an important achievement or success of our efforts to ensure the definition, to ensure that the word discrimination, which is one of the pillars of ensuring equality by prohibiting discrimination, has been included. Iske alawa, dosto, public building, पब्लिक फैसिलिटी, इन सब की परिभाषा मिसिंग थी, और इन परिभाषा को के मिसिंग होने से एक्सेसिबिलिटी, अगेन जो एक्सेसिबिलिटी का प्रोविजन है या एंटाइटलमेंट है, उसकी परिधि के बाहर बहुत से बिल्डिंग्स चली जाती, भवन चले जाते, बहुत सी सर्विसेज चली जाती। इसलिए इसको डिफाइन करवाना जरूरी था, और हमने जो डेफिनेशन सजेस्ट की थी इन दोनों चीज़ों की, वो हूबहू स्वीकार की गई। अनदर इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन ऑफ विच टर्मिनोलॉजीज डेफिनेशन ऑफ विच वर मिसिंग इन द ओरिजिनल एक्ट, ओरिजिनल बिल सॉरी, इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग एंड डेफिनेशन ऑफ public facility and services. In the absence of the definitions of public building and public facility and services, many buildings, particularly private buildings, whether it is used for housing, marketing, shopping, etc., etc., and even educational institutions owned by private entities, they would have been outside the purview of the accessibility provisions, and also again outside the purview of equal opportunity policy. So we suggested the definition of public building and public facility, which has been included in the act as it is, as suggested by us. दोस्तों, ब्लाइंडनेस और लो विजन की डेफिनेशन पर मैं पहले ही बोल चुका हूं, लेकिन इतना बताना आवश्यक है कि ब्लाइंडनेस और लो विजन की जो मूल बिल में परिभाषा थी वो बड़ी अस्पष्ट थी, और लो विजन की परिभाषा तो उन्होंने कहा था कि उसको पोस्टपोन कर दिया था डिफाइन करना मूल बिल में, और ये कहा था कि ये डेफिनेशन बाद में नोटिफाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मूल बिल पास हो जाता तो लो विजन की डेफिनेशन जैसा भी वो सरकार बाद में चाहती उस तरह का नोटिफाई करती, और उससे एक अस्पष्टता
और अनिश्चितता का माहौल बनता और सुविधाओं को प्राप्त करने में हमें बहुत परेशानी होती। हम लोग खुद ही उस समय फेथ ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट जो लो विजन के ग्राउंड पे बनते थे और आज भी बनते हैं, उस परेशानी से गुजर रहे थे, उस समस्या के निदान के लिए आंदोलित थे और इस तरह की अप्रोच से वो समस्या और भी भीषण हो जाती और आर्बिट्रेरीनेस और भी बढ़ जाती। फ्रेंड्स, आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लो विजन एंड इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द मैनर इन विच वी ट्राई टू ब्रिज द चांसेस और वी ट्राई टू प्लग द चांसेस ऑफ फेक सर्टिफिकेशन विद रिगार्ड पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू ब्लाइंडनेस एंड लो विजन बाय नंबर वन गेटिंग द टाइटर डेफिनेशन फॉर ब्लाइंडनेस एंड लो विजन एंड नंबर टू बाय टेकिंग आउट द सर्टिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 40%, 50%, 60% in the case of blind and low vision and hearing impaired. Since these terms are defined in measurable terms. तो दोस्तों, ये तो बात आज हुई परिभाषा की और मैं साथ ही साथ यहीं पर ये भी बताता चलूं कि Persons with Disabilities Act में बैरियर की डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बैरियर वहां पर बैरियर का ज्यादा कॉन्सेप्ट या उसको बैरियर को रिमूव करने के जो प्रावधान थे बहुत अपर्याप्त थे। इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा वहां पर पुराने एक्ट में 1995 के एक्ट में केवल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को, सरकारी प्रतिष्ठानों को ही कवर करती थी। इसी तरह से वहां पर डिस्क्रिमिनेशन की कोई परिभाषा नहीं थी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने के लिए केवल एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर को छोड़कर कहीं डिस्क्रिमिनेशन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था। रीजनेबल एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट भी पिछले एक्ट में, 95 के एक्ट में नहीं था। और पिछले एक्ट में जो एक्सेसिबिलिटी के प्रोविजन थे वो काफी रेस्ट्रिक्टिव थे, जो हम आगे देखेंगे जब हम तुलना करेंगे तो हम उस पर आएंगे। तो आज हम समझते हैं कि यहीं पर हम डेफिनेशन वाले चैप्टर को आज समाप्त करते हैं और कल हम एंटाइटलमेंट्स प्रारंभ करेंगे। फ्रेंड्स, सो फार एज द प्रीवियस एक्ट इज कंसर्न्ड, देयर वाज नो डेफिनेशन ऑफ बैरियर बिकॉज देयर वर very little provisions which were focused on the removal of barriers which impede our full and effective participation in all aspects of life. Similarly, there was no definition of discrimination as there were no specific provisions prohibiting discrimination except relating to employment. Similarly, there was no concept of reasonable accommodation in the previous act, and therefore this term was also not defined. Likewise, public building, public facilities and services were also not defined in the previous act.
Now, friends, I think that we'll today finish today's deliberation on this note by completing our chapter relating to definitions, and we will commence our discussion or continue our discussion tomorrow by commencing our discussion on the entitlements, various entitlements that the Act has recognized and granted to us. We will continue, as I said, to compare the relevant provisions of the previous Act and also see what was in the original bill and what improvements we were able to secure as a result of our advocacy and campaign. तो आज के लिए आप सबसे यही विदा चाहूँगा और आप सबका आपके समय देने के लिए, आपकी अटेंशन के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए दिखाने के लिए और आपकी प्रतिबद्धता के लिए एडवोकेसी के लिए बहुत बहुत आभार। आप आज से कल तक का समय अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा के साथ साथ सामाजिक हितों की रक्षा में अपने योगदान को देते हुए या सुनिश्चित करते हुए बिताएं, ऐसी अपेक्षा के साथ आप सबका आभार। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे, फॉर योर पेशेंस, योर इंटरेस्ट इन द एक्ट, योर कमिटमेंट टू एडवोकेसी। स्पेंड योर टाइम टुडे ऑनवर्ड्स टिल tomorrow evening up to 7 o'clock by taking care of your interest and at the same time by contributing to safeguard the interests of our other brothers and sisters who are blind and visually impaired. Thank you very much. Bye bye for today.